नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार और मैं हूं स्वप्निल पटियाला। 75वें स्वतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर पूरे देश में लगभग 10 दिन पहले से ही जो कि स्वतंत्र दिवस का समारोह है वो मनाया जा रहा है। वुमेन कॉलेज उधमपुर में मैं मौजूद हूं। आज पतंग प्रतियोगिता जो कि आज करवाई जा रही है, काइट फ्लाइंग कंपटीशन जिसका नाम दिया गया है, जो कि ट्राई कलर्स काइट्स हैं उसे उड़ाने का एक जो कि प्रतियोगिता है वो यहाँ पर की जा रही है। यहाँ के जो स्टाफ हैं, टीचर्स यहाँ के, वो स्टूडेंट्स के साथ, छात्राओं के साथ मिलकर पतंगबाजी कर रहे हैं। जिस तरह से आज़ादी का अमृत महोत्सव लगभग 5 दिन पहले से ही शुरू कर दिया गया 75वें स्वतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर, इस साल जिस तरह से हम बार बार बता रहे, काफ़ी बड़ा प्रोग्राम जो कि होने वाला है। सुबह भी हमने आपको उधमपुर बॉयज डिग्री कॉलेज से दिखाया था, दर्शाया था कि किस तरह से वहां पर जो कि प्रोग्राम है किस तरह से हुआ है। आज जो कि फुल ड्रेस रिहर्सल थी वो देखिए। मैं उधमपुर गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज में हूँ, यहाँ पर आज पतंगबाजी चलाई की जा रही है, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद सामने के दृश्य देखें, इस कॉलेज की छात्राएं हैं, ये भी अब पतंगबाजी कर रही हैं। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव जो कि लिया गया है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जो कि काफ़ी धूमधाम से सेलिब्रेट किया जा रहा है, मनाया जा रहा है 75वें स्वतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर। मैं अपने वीडियो देखने को कहूँगा, पूरा दिखाएं आपको किस तरह से यहाँ पर अब मैं बात करना चाहूँगा गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर मीनू महाजन जी से। मैम, कितना अच्छा इनिशिएटिव मानते हैं आज यहाँ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है। जिस तरह से कहा जा रहा है 75वां स्वतंत्र दिवस काफ़ी धूमधाम से इस बार मनाया जाएगा, क्योंकि पिछले सालों की बात की जाए तो कोरोना की महामारी की वजह से काफ़ी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, SOPs का ध्यान रखना पड़ा, पर इस बार कहा जा रहा है कि 75वां स्वतंत्र दिवस काफ़ी धूमधाम से मनाया जाने वाला है। क्या कहना चाहेंगे? 75वें वर्ष दिन, आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पे मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत बधाई है। और गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक इसमें हम एक वीक लॉन्ग एक्टिविटीज़ हमने ऑर्गेनाइज करी हैं। हर रोज़ हम इस सेलिब्रेशन की कोई ना कोई कड़ी जोड़ते हैं। कल हमने सिग्नेचर कैंपेन किया था ऑन द टॉपिक आई एम अ प्राउड इंडियन, एंड हमारे स्टाफ, स्टूडेंट्स, सब लोगों ने उस पर अपने सिग्नेचर रखे। आज के दिन की एक्टिविटी काइट फ्लाइंग है, तो हमने ट्राई कलर में काइट्स का अरेंज किया है। स्टाफ और स्टूडेंट्स मिलके एक सेलिब्रेशन के मोड में हैं और आप देख सकते हैं कि आज सब बच्चे मज़े में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए स्टाफ स्टूडेंट्स मिलके ऑफ कोर्स कोविड प्रोटोकॉल्स को ऑब्जर्व करते हुए प्रॉपरली। अगर आप कैमरा घुमाएंगे तो आपको दिखाई देगा हमारा कंटिंजेंट एक जो है वो परसों के NCC परेड की तैयारी कर रहा है। देर आर सर्टन पीपल जो कल्चरल की तैयारी कर रहे हैं, और आज की इवेंट में ये काइट फ्लाइंग हमने रखा है ये दिखाते हुए कि हमारा तिरंगा इसी तरह फहराता रहे, बहुत ऊंचा और बहुत सुंदर। मैं चलो टीचर से भी बात करूँगा। सर, पहले तो मैं आपसे बात करूँगा, छोटे होते तो सब काइट उड़ाते हैं, आज अब इस एज में काइट उड़ा रहे, कितना अच्छा लग रहा है कि बच्चों के साथ, छात्राएं आपके साथ हैं, एक्साइटेड हैं बच्चों के साथ उड़ाने में, बहुत सालों के बाद उड़ा रहे हैं लेकिन एंजॉय कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि 75वां स्वतंत्र दिवस कितनी धूमधाम से मनाने जाने वाला है इस बार? हमारी प्रिंसिपल मैम ने तो शुरुआत से, जब से ये 75वां महोत्सव शुरू हुआ है, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है और काफ़ी काम करवा रहे हैं इस पर। 3-4 दिन से हम लोग तो बिजी हैं इसी में, कुछ ना कुछ चल रहा है। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे इस 75वें स्वतंत्र दिवस के उपलक्ष्य? हम सबको, सारे बच्चों को, सारी जनता को, उधमपुर के लोगों को, सबको बधाई देना चाहेंगे अपनी तरफ से, वुमेन कॉलेज उधमपुर की तरफ से सबको।
और बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम। जी जी, क्या कहना चाहेंगे आप भी, आज भी आप भी छात्राओं के साथ एक पार्टिसिपेट कर रहे हैं पतंगबाजी अभियान में, कितना कितना अच्छा लग रहा है आपको? देखिए सबसे पहले मैं बता दूं आपको गणतंत्र से आज़ादी के इस पर्व की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो मैं ये कहना चाहूँगा जैसे पतंग उड़ा के हम अपनी खुशी जाहिर करते हैं, तो हम इस अपने स्वतंत्रता दिवस पे खुशी जाहिर करते हैं और ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा जो कोविड का जो दौर चल रहा है ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए सब कुछ, तो हम दोबारा से वो खुशियों में वापस आ जाएं। जैसे पतंगबाजी उनमें से एक है, तो और भी हमारे इस तरह कई फेस्टिवल हैं जो कि कुछ ना कुछ दर्शाते हैं, तो पतंगबाजी तो हमेशा ही हम करते हैं किसी भी त्यौहार पर, तो हमारा कल्चर में वो चीज़ है। तो हम चाहेंगे कोविड का दौर ख़त्म हो जाए और हम इसको अपनी खुशियों में वापस ज़िंदगी में नॉर्मल लाइफ में आ जाएं। जी धन्यवाद जी। जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ 75वें स्वतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर लगभग 5 दिन पहले से ही अलग अलग समारोह जो कि उधमपुर प्रशासन करवा रहा है, जिस तरह से आप देख रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसमें अलग अलग रंगारंग कार्यक्रम भी जो है करवाए जा रहे हैं। बात की जाए वुमेन कॉलेज की, तो बीते दिन यहाँ पर इसी के उपलक्ष्य पर एक सिग्नेचर अभियान चलाया गया, कल्चरल एक्टिविटीज़ करवाई गई। परसों की बात की जाए तो तहसीलदार उधमपुर अमित वर्मा द्वारा यहाँ पर कुछ प्रोग्राम्स करवाए गए। उससे पहले की बात करूँ उस दिन भी कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ यहाँ पे हुई, यानी कि लगभग 5 दिन से ही यहाँ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। अंत में हमारे स्टेट समाचार की पूरे परिवार की तरफ से हमारे सभी दर्शकों को इस 75वें स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।